आप लोगों की साइंस की क्लास में जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है सजीव की संरचना, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। इस क्लास 9 के टॉपिक में सजीवों की संरचना जो चैप्टर है, इसमें सबसे बेसिकली हम सीखेंगे कोशिका क्या है। ठीक है, तो कोशिका आप सभी जानते हो कि जो भी जीव है, जैसे सजीवों की बात करें तो पादप है, जंतु है, मानव है, इन सभी की शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। सभी आपने ये बात सुनी होगी हमेशा कि सजीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो जब कभी भी आपकी कोशिका की डेफिनेशन आती है, परिभाषा को पूछा जाता है, तो आप राइटली ये लिख सकते हो, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट आप इसकी बात करते हैं कि खोज, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो बोला जाता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज मर्द प्रधातु में की थी, यानी सर्वप्रथम मर्द कोशिकाओं का अध्ययन हुआ। तो एक क्वेश्चन उठता है, जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया सर्वप्रथम? जीवित कोशिकाओं का अध्ययन सर्वप्रथम ल्यू वैन हॉक ने किया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, कोशिका की खोज किसने की तो आप लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक ने, और क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया तो आप लिख सकते हैं ल्यू वैन हॉक ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या है? नाम में ही परिभाषा छिपी है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान कहलाती है। लिखाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप नाम को देख के बता सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान कहलाती है। अब कुछ इसके इंट्रोडक्शन में कुछ हम और जोड़ देते हैं। सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, जीवों के शरीर में सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है और सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम? सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा, उसमें पाई जाती है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ये आपको कोशिका के इंट्रोडक्शन पार्ट में आना चाहिए। डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन में क्या याद रखना आपको, कोशिका किसे कहते हैं? तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। खोज किसने की? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखने की, ये कोशिका की खोज मृत कोशिकाओं की खोज हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया? जीवित कोशिकाओं का अध्ययन ल्यू वैन हॉक ने किया। नेक्स्ट हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि भाई कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो कोशिका विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान कहलाती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तो ये तो हमारी बात हो गई कोशिका के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीवों का वर्गीकरण कोशिका के आधार पर।
जीवों को किस तरह से बांटा गया है कोशिका के आधार पर। जीवों का वर्गीकरण, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, किसके आधार पर हमने जीवों को विभाजित किया है? कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और सेकंड है बहुकोशिकीय जीव। अब जानते हैं एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण, उदाहरण अमीबा, युग्लिना, पेरामीशियम आदि, ये एक कोशिकीय जीव जिनको हम सूक्ष्म आंखों से नहीं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, उन्हीं जीवों को हमने किसमें रखा गया है? एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण पादप है, जंतु है, जितने भी प्रकार के जंतु है, जितने भी प्रकार के पादप है, वो सारे के सारे एग्जांपल है बहुकोशिकीय जीव के। मानव, हम खुद बहुकोशिकीय जीव। तो ये तो हुआ हमारे जीवों का वर्गीकरण। आप लोगों को समझ में आया होगा कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण दो प्रकार का, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण अमीबा और युग्लिना। बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। पादप, जंतु और मानव। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में, कि कोशिका के बारे में हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन हमने इसका जान लिया, वर्गीकरण देख लिया जीवों का। अब हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका सिद्धांत जो हम लोगों ने पढ़ लिया, वो टॉपिक में सारी लिखी जा रही, परिचय हो गया है कोशिका का, जीवों का वर्गीकरण हो गया है कोशिका के आधार पर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया, क्या बताता है ये? ये कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी सजीवों के अंदर कोशिका कैसे पाई जाती है, किस तरह की कोशिका होती है, और सभी सजीव इस कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत को दिया था स्वान व स्नीडर ने। स्वान व स्नीडर वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1838 में, 1838 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत स्वान और स्नीडर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार मैं तीन पॉइंट बताऊंगी, तीन पॉइंट के अंदर आपको सिद्धांत समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट,
कोशिका सिद्धांत में प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने परिभाषा बताई एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो इसके अनुसार सबसे पहला जो इस कोशिका सिद्धांत का पॉइंट है, प्रत्येक सजीव का शरीर, प्रत्येक सजीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फर्स्ट लाइन सभी को याद हो गई होगी जब आपने जीवों का वर्गीकरण किया। सेकंड, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो कि अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। थर्ड पॉइंट, हमेशा याद रखना, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इन तीन सिद्धांत के तीन लाइन से सभी कोशिका और सजीवों की कोशिका सिद्धांत को समझा जा सकता है। जो भी सजीव है उन प्रत्येक सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सेकंड, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है। थर्ड, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ऐसी ये जो करेक्टर है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए थे विर्चो, उन्होंने बताया, विर्चो ने बताया पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन कुछ सजीव ऐसे भी है जो इस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, तो उन सजीवों के नाम है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों के पूछा जाता है ये कोशिका सिद्धांत, नाइन्थ क्लास के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत क्या है और इसके अपवाद भी बताइए। नील हरित शैवाल, जो कि जीवाणु है, एक नील हरित शैवाल जीवाणु विषाणु, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। ये कोशिकाओं, इनमें प्रोकैरियोटिक केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। अब मैंने आपको एक लाइन दे दी, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि ये प्रोकैरियोटिक क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं का वर्गीकरण, यानी कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ये हमने कहां से देखा, जब मैंने आपको अपवाद बताया नील हरित शैवाल जीवाणु और विषाणु, और मैंने इसमें कहा इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इनके बारे में पढ़ेगी कि इनकी क्या चीज है जिसकी वजह से ये अपवाद आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट डाउन किया होगा आप लोगों ने, कोशिका सिद्धांत इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एडिटिंग कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो आपने एक नया टॉपिक और पढ़ लिया है, कोशिका सिद्धांत जो पढ़ा दिया टॉपिक है वो मैं साइड में लिखती जा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है, मैंने बताया कोशिका का वर्गीकरण, केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिका।
फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका मैंने कहा केंद्रक के आधार पे, तो अभी तक मैंने आपको केंद्रक के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप थोड़ा सा ब्रीफली कोशिका की संरचना पे ध्यान दें। कोशिका की संरचना में देखना आप ब्रीफली डिस्क्राइब भी पड़ेगी, टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक यही आएगा कोशिका की संरचना क्या है, इसलिए मैंने पहले बताया नहीं है, लेकिन आप ब्रीफली समझ लो कोशिका की संरचना। कोशिका की तीन भाग होते हैं और सबसे बाहरी भाग जो होता है कोशिका का, कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका के केंद्र में केंद्रक स्थित होता है। केंद्र में क्या स्थित होता है? केंद्रक। और ये केंद्रक को उससे तुलना मत करना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, वो परमाणु के केंद्रक है और ये जीवों का केंद्रक है। कोशिका के केंद्रीय भाग में केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक में होती है एक सूक्ष्म इकाई गोलाकार संरचना, इस गोलाकार संरचना को कहते हैं केंद्रिका, और धागे नुमा संरचना, इस धागे नुमा संरचना को कहा जाता है क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन जालिका। सेकंड देखो, फर्स्ट भाग कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका के केंद्र में उपस्थित तत्व केंद्रक कहलाता है और केंद्रक में क्या उपस्थित होते हैं? केंद्रिका और क्रोमेटिन जालिका। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य कुछ संरचना पाई जाती है, संरचनात्मक इकाई पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य द्रव्य पदार्थ उपस्थित होता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो हम केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण करेंगे। ऐसे सजीव जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, ऐसे सजीव जिनमें सुविकसित वेल डेवलप सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं, यूकैरियोटिक कहलाते हैं। उदाहरण पादप जंतु, अमीबा, युग्लिना, इन सभी के अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो ऐसे सजीव जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है पादप जंतु अमीबा और युग्लिना। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक का अभाव पाया जाता है, या तो केंद्रक अनुपस्थित होता है या सुविकसित केंद्रक का अभाव पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। उदाहरण हमेशा ध्यान रखना जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवाल, ये ऐसे सजीव हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इनके अलावा जितने भी विश्व में जगत अपने जीव पादप है जंतु है सभी में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो जीवाणु, विषाणु और नील हरित शैवाल, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब कभी भी जब कभी भी आपके आए प्रोकैरियोटिक कोशिका नाम, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्र का अभाव पाया जाता है या अनुपस्थित होता है केंद्र, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिनमें सुविकसित केंद्र पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। उदाहरण पादप जंतु अमीबा और युग्लिना। अब आपको कोशिका सिद्धांत रिपीट करती हूँ। कोशिका सिद्धांत में मैंने आपको बताया था तीन पॉइंट, क्या बताए थे तीन पॉइंट, कि प्रत्येक सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। सेकंड, सजीवों की कोशिका सजीवों के शरीर की अनुवांशिक इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, थर्ड मैंने पॉइंट बताया था कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है।
तो ये मैंने आपको तीन पॉइंट बताए थे, उसके बाद एक अपवाद दिखा दिया था कि विषाणु जीवाणु और निर्धारित शैवाल कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो ये बात हो गई हमारे कोशिकाओं का वर्गीकरण की, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूकैरियोटिक कोशिका, ब्रीफली मैंने आपको कोशिका की संरचना समझाई थी कि कोशिका के तीन भाग होते हैं। फर्स्ट भाग है कोशिका झिल्ली, सेकंड भाग है आपके केंद्रक और थर्ड भाग क्या है आपके कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका के केंद्र में जो संरचनात्मक कोशिका संरचना उपस्थित है उसे हम कहते हैं केंद्रक, और केंद्रक केंद्र भी क्या उपस्थित होता है? केंद्रिका और क्रोमेटिन जालिका। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य जो द्रव्य पदार्थ उपस्थित होता है, द्रव्य यानी ठोस तरल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य जो द्रव्य पदार्थ उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य एक बार नाम आता है कई की किताबों में, आप देखना दो नाम आते हैं, एक तो आता है साइटोप्लाज्म और एक लिखा हुआ आता है प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में भी यही लिखा हुआ आता है, आप चिंता नहीं करिएगा। जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य, तो जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कोशिका द्रव्य जो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य पाया जाता है, और जीव द्रव्य केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई आपके कोशिका के इंट्रोडक्शन की बात हो गई है, जिसमें हम लोगों ने सीख लिया है कोशिका क्या है। मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने जो आज के लेसन में पढ़ाया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था आपको कोशिका के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। नेक्स्ट हमने बताया था कि जीवों का वर्गीकरण कोशिका के आधार पर, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। उसके बाद मैंने टॉपिक लिया था कोशिका सिद्धांत, स्वान और स्लीडर ने दिया था कोशिका सिद्धांत। तीन पॉइंट्स बताए थे, तीन लाइनें याद रखना हमेशा याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है आपको ये क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत क्या है और उसका प्रभाव क्या है। फिर मैंने आपको कोशिका के वर्गीकरण बताया, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आपका होमवर्क ये रहेगा, सबसे पहले आपको ये याद रखना है क्वेश्चन ये रहेगा, कोशिका सिद्धांत किसे कहते, कोशिका सिद्धांत क्या है और इसका प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन सेकंड रहेगा, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण दीजिए। थर्ड क्वेश्चन यह रहेगा आपका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है उदाहरण दीजिए। यह होमवर्क आपको टाइम पे कर लेना है। बहुत थैंक्स, क्वेश्चन तो बना देते हैं।